पापा पापा एक पैसा नहीं देने वाला, देखना। पापा पापा मेहमान नहीं आए। आ जाएंगे बेटा। अरे सुनती हो? क्या है? अरे क्या है क्या, इस आफत की गुड़िया को किसी कमरे में बंद करके रखो। क्यों क्यों? अरे भाई मेरी एक बेटी की सगाई हो रही है और दूसरी बेटी गोद में बैठकर पापा पापा कह रही है। वो मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे कि इस उम्र में इतनी छोटी बच्ची। वो तुम्हें देखने नहीं आ रहे, तुम्हारी बेटी को देखने आ रहे हैं। जाकर देखो तैयार हुई है या नहीं। तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आ गए? सब लोग परेशान हैं। और कौन परेशान होगा, मुझे ही तो देखने आ रहे हैं। अभी तक आए क्यों नहीं? लड़का पुलिस वाला है, आ जाएगा जरूर, लेकिन चोर डाकों से फुर्सत मिले तब ना। सब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, प्रसाद जी। गोपीनाथ जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ने क्यों आया हूँ। जी क्योंकि मैं इसी गांव में पैदा हुआ, इसलिए मेरा इस गांव से जज्बाती रिश्ता है। अच्छा अच्छा आइए प्रसाद जी आइए। आओ Thank you.
गोपीनाथ जी, जी अपनी बेटी को बुलाइए ना। जाओ कोयल को बुला लो। जी। साहबन, दूल्हे ने दुल्हन को पसंद कर लिया, अब फटाफट शादी का मुहूर्त निकालिए। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गई दीदी? क्या है वो? देखो कल वाले मेहमान। ए, अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? हाय राम, अब क्या करूं? तुमने बनाया? मैंने कहा आप बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। तुम एम्ब्रॉयडरी स्कूल में पढ़ती हो या पढ़ाती हो? मुझे जाने दीजिए, देर हो गई तो माँ डांटेगी। अकेले घर जाने में डरोगी नहीं? मैं तुम्हें छोड़ दूँ? मुझे जाने दीजिए, देर हो गई तो माँ डांटेगी। मैं रोज यहाँ से आता जाता रहता हूँ। मुझे जाने दीजिए, देर हो गई तो माँ डांटेगी। अरे क्या यार, एक ही बात रट लगा के रखी हो और तुम्हें कुछ बोलना नहीं आता? मुझे जाने दीजिए। बस जाना है तो जाओ, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला, है ना? जाओ। क्या यार, मुझे जाने दो, देर हो गई तो माँ डांटेगी। अरे मैं कोई चोर भूत हूँ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे ये हीरो लोग कौन है? ये बड़े खतरनाक लोग हैं सर, एसआई साहब ने अरेस्ट किया। एसआई साहब ने अरेस्ट किया? जी। अरे कमाल है यार, एसआई साहब आजकल बहुत काम करने लगे हैं ना? जी। यार मैं बहुत थक गया हूँ, एक अच्छी चाय ले आ मेरे लिए। जी अभी लाया सर। बहुत काम कर लिया भैया, थोड़ा आराम भी जरूरी है जिंदगी में। मैं आ गया। Hey, what's your problem, Madhu? तूने मुझको मारा, शक्ति जैक्सन को मारा? अबे पुलिस स्टेशन में चल, मार मार के भुर्ता बना दूंगा, तूने मुझे बहुत सताया है। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर? तीन तीन सवारियों के साथ एक मोटरसाइकिल पे नो एंट्री में घुस रहा है? Well, that's no crime. हमारे लॉ में बहुत बड़ा क्राइम है, चल नीचे उतर। Long back in Texas, they used to call me Mad Max.
ऐसा मत कर हवलदार, मुझको अंदर मत कर मेरे यार। मेरा भाई है बड़ा शक्तिशाली, बजा देगा वो तेरी ताली, उसके बाद तेरा हो जाएगा मोटा पेट खाली। अबे नहीं छोड़ूंगा तुझे, तेरा भाई तो क्या, तेरा बाप भी आ जाए ना तो भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों के बाद हाथ आया है तू, मर मर के जेल में सड़ा दूंगा तुझे। ये कौन? अपन भी आ गया क्या? हाय। मुझे मत तोड़ना भैया, मुझे मत तोड़ना। पहचाना? दो है, दो है। जो है सो है, वो है, मैं हूँ। एक ही है अपुन का बाप, माँ भी एक ही है। तू अपुन के भाई को क्यों पकड़ा रे? पुलिस को मत आज। तीन लोगों को मोटरसाइकिल पे बिठा के नो एंट्री में जा रहा था। आप होते तो आप भी उसे पकड़ लेते। जब मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? जल्दी से इसे छोड़, वरना आ जाएगा कहानी में एक नया मोड़, हो जाएगी शमशान की तरफ तेरी दौड़। है कोई इसका तेरे पास तोड़? तोड़ मोड़ के जोड़, तोड़ मोड़ के जोड़, तोड़ मोड़ के जोड़। अरे इसे अगर मैंने दिया छोड़ तो आईजी सर डालेगा मेरा फोड़। अगर तू इसे छोड़ेगा तो आईजी तुझे फोड़ देगा। आ, आ, अगर नहीं छोड़ेगा तो अपन तुझे फोड़ देगा। जल्दी से डिसाइड कर। अभी छोड़ देता हूँ आपके सामने, आपके सामने छोड़ देता हूँ। आप वो रिवॉल्वर अंदर रख दीजिए। तो तोड़ मोड़ के छोड़ 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 छोड़। ए भैया जा, जाओ जाओ भैया, तोड़ मोड़ के छोड़। भैया आप जाओ। हाँ भैया, आपका आपके भाई साहब आए हैं आपको लेने। निकलिए, निकलो भैया, निकलो। आप जा सकते हैं सर, मैंने इनको छोड़ दिया। चाहिए साहब, आप सचमुच हमें छोड़ रहे हैं? जाओ ना भैया, हाथ जोड़ता हूँ, आप जाओ। छोड़ दिया सर, आप जाओ, आप जाओ ना सर, आप क्यों खड़े हैं? मैंने आपके भाई को और सबको छोड़ दिया। छोड़ जाओ, आप जाओ, आप जाओ सर, आप जाओ। ये सब क्या है? शक्ति, शक्ति, शक्ति खड़ा था सर। ओह माय गॉड, फिर से शक्ति। उसने मेरे मुंह में बंदूक रख के अपने भाई को छुड़वा कर ले गया सर। देखो तुमने ये सब क्या किया, तुम्हें मालूम है? इतने खतरनाक मुजरिमों को छोड़ दिया। मैं तुम्हें 24 घंटे दे रहा हूँ, अगर उन लोगों को फिर से गिरफ्तार नहीं किया ना, आई विल सस्पेंड यू, आई विल सस्पेंड यू। शक्ति, शक्ति, अगर आज पुलिस वाले मेहमान से बात नहीं की ना तो मैं मम्मी से कह दूंगी। कोयल, अब तुमसे भी क्या कहूँ, आखिर तुम समझदार कब बनोगी? ठीक है, जब तक तुम समझदार नहीं बनती ना, तब तक मैं शादी कर लेती हूँ। ए चुप। अरे सुनिए, तुमने मुझसे कुछ कहा? मैं एम्ब्रॉयडरी के स्कूल में पढ़ती हूँ। अरे ये बात तो मैं कल भी पूछा था। खैर कोई बात नहीं, इतना तो पता चल गया। तुम्हें कुछ और भी बोलना आता है? ये लो। ये क्या है? चूड़ियाँ। तो क्या करूँ मैं? अरे ये भी मुझे बताना पड़ेगा, लो मैं पहना देता हूँ। नहीं माँ डांटेगी। अरे तुम सब का माँ से पूछ कर करती हो क्या? आगे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। Try to understand, you know? No? लव मैं पहना देता हूँ। नहीं माँ डांटेगी। अरे माँ डांटेगी। क्यों आए? तुम्हें ने तो बुलाया। मैंने?
मैंने कब बुलाया? अभी अभी मेरे दिल को जो इन चूड़ियों में है तुमने उसे प्यार से चुमा, बस मैं आ गया। जब जब तुम इन चूड़ियों को किस करोगी मुझे किस करोगी।
प्यार करने लगे हैं, मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं, मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं। कमाल है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर क्यों चलाई? जी, कैसी बातें कर रहे हो? तुम नींद में हो क्या? मैं नहीं, तुम्हारी लाडली बेटी चिल्लाई। चलो देखते हैं क्या हुआ। क्या बात है बेटी? कोई चोर वोर? मैं सपना देख रही थी माँ, उसी में चीख पड़ी। कोई बात नहीं बेटी, जवानी में अक्सर ऐसे बुरे सपने आते रहते। क्या है बेटी, तू दरवाजा खिड़की अच्छी तरह से बंद कर दे और पानी पी के सो जाओ। हाँ चलो 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 भी। दा दा दा। आहा, ये रात, ये चांद, ये हवा, यहाँ आकर मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। मैं चला, मैं चला, मैं चला। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। मैं आ गया। अरे परियास, परियास, पर खराब तूने परियाप। हेलर हिरास करास पुरिया, लेडीज एंड जेंटलमैन पुरिया का सूर्या, तुम्हारी कोरास पुरिया आता, तुम्हारे यात्री ने पुरिया आता आता क्या? अरे पुरिया आता, राजा ने कोरी हुआ तो पुरिया आता पुरिया, अरे बड़े बड़े तो ने पुरवा, तुम्हारी कोरास तो ने बड़े बड़े जंपल रास ने आ पू पू पू। अबे जा पू पू पू। ये कह रहा है ये पानी में छलांग मारेगा और साथ में 15 समरसॉल्ट मारेगा। अरे चुप। अबे तू क्या 15 समरसॉल्ट मारेगा चिरकुट? मैं 16 समरसॉल्ट मारूंगा। तालियां। तो बरो ऐसा करो आस्ट्रेलिया और तुरी और पास तने ने नीचे पर और खास तरह आता और आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया बढ़िया। अरे बोल रहा है कि माँ का दूध पिया तो ऊपर, अबे ऊपर आऊंगा तो तेरी हवा निकल जाएगी बे। आस्ट्रो ऑस्ट्रेलिया पो। अरे पू मत कर, मोटा मत बोल, तेरा मेरे जैसा हाल हो जाएगा। पो आस्ट्रेलिया का पो एवरीवेयर मत पो। हाथ बुरी करे। अरे छोड़, तेरे मुंह कौन लगता है? अब देख काले चिरकुट, तेरे सामने 16 गोते मारता हूँ मैं। अभी मैं डाइव मारता हूँ, फिर हो जाएगा तेरा। आप लोग ताली बजाओ, मैं डाइव मार रहा हूँ। आप लोग फिर एक बार सोच लीजिए, फिर शादी के बाद यह बात नहीं उठनी चाहिए कि भाई ये नहीं मिला वो नहीं मिला। आप कितनी बार पूछेंगे और हम कितनी बार जवाब देंगे कि हमें दहेज नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपनी बेटी को एक साड़ी में विदा कर दीजिए। कमाल है, आजकल के दामाद तो ससुर की चड्डी तक उतरवा लेते हैं और आप हैं कि देखिए, आप शर्माइए मत, भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। भाई साहब, ये भगवान आपके उस्ताद लगते हैं क्या? चलिए मैं इस समस्या का समाधान किए देता हूँ। इन्हें दहेज लेने से इनकार है, लेकिन अगर आप इन्हें दहेज देंगे तो ये दहेज लेंगे। जी नहीं, आप लोग जल्दी से मंगनी की रस्म पूरी कर दीजिए, क्योंकि ये दहेज नहीं ले सकते। आवाज कुछ बेसुरी लग रही है, दहेज नहीं ले सकते, मगर क्यों? इनको किसी की लड़की शादी में मिल जाए यही बहुत है, दहेज तो बहुत दूर की बात है। आप अजीब बात कर रहे हैं। अरे ये लंगड़े हैं, लूले हैं, अपाहिज हैं, भिखारी हैं, क्या है? ये बिन बाप के हैं। इनके बाप का नाम क्या है इनको खुद पता नहीं, और जानते हो जिसे अपने बाप के नाम का पता ना उसे क्या कहा जाता है? हरामी। क्यों? अरे अरे
होता कि तेरा बाप कौन है? तेरा वारिस? अगर हकीकत बर्दाश्त नहीं होती तो बता, तेरा बाप कौन है? बोल, किस किस की औलाद है तू? किस किस को बाप कहेगा? अपनी मां की गलती को एक घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सके, उसे भगवान के सर से उठाकर जमीन पर पटक दिया, और वो दूसरे का बोझ लिए 9 महीने तक ढोते रहे। हम में से कोई नहीं चाहता था कि तुम पैदा होते। सिर्फ तुम्हारी मां चाहती थी जिसके टुकड़े करके बिखेर दिए। अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो कि तुम्हारी मां क्या थी? मुझसे पूछो, मुझसे।
हम बहुत प्रसन्न हुए कि आप हमको उद्घाटन के खातिर ही यहाँ बुलाए हैं। ई दुकान का उद्घाटन करना है जी नेताजी। यही काम तो है जो हम बहुत बेस्ट करता हूँ। ये इस महीने का 13वां उद्घाटन है। अरे का उद्घाटन करवाना चाहते हो, रिबिन बांधा ही नहीं? रिबिन तो हम नहीं लाए सरकार। चिंता नहीं कर, हम साथ में लेके घूमता हूँ। ले ये कोना पकड़ो वहाँ से और तुम वहाँ से पकड़ो। कैंची? कैंची भी नहीं लाए सरकार। अच्छा, वो भी हम लाए। अच्छा, कहाँ से आगे पता नहीं। उद्घाटन कराने के लिए रेडी? हाँ जी, बजाओ ताली। बस कोई हार वार नहीं है? ये है ना साहब, ये तो हमारा अपना है। वो का है? मिठाई है साहब, मिठाई। दे रहे इले। देखो घोची के। अरे का इतना लंबा चौड़ा ढांचा जैसे स्टील का कबाट, और बच्चों की तरह उछल उछल के मिठाई लूटते हो, बुरी बात। अगर मिठाई फेंकना बुरी बात नहीं तो मिठाई लूटना बुरी बात कैसे होगी? बात तो तुम तर्क की कर रहे हो। ई कौन? ये हमारा चेला है। कैसा चेला? ये तो बिल्कुल सफाचट तरबूज है। ये बाहर से ही नहीं, अंदर से भी सफाचट है। क्या है साहब जी, आज की दुनिया में जीने के लिए ऐसे बिन दिमाग का आदमी का साथ होना बहुत जरूरी है। अरे ऐसे लोगों के सहारे तो कितनी पार्टियां, कितने मजहब कामयाब हो गए हैं। अरे वाह, दिमाग तो बड़ा तेज है तुम्हारा। काम क्या करते हो? बेकार हूँ। काहे, काम लगा नहीं? काम तो बहुत लगा है, लेकिन हर जगह से निकला गया हूँ। क्यों? काहे कि हमारी जवान थोड़ी लंबी और हमेशा चलती रहती है, इसलिए। तेज दिमाग और लंबी जबान पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी होती है। खैर अभी नौकरी तो हम लगाए देते हैं। वो देखो सामने हुआ राजा साहब की हवेली है, हमरे दोस्त हैं, वहाँ नौकरी करोगे? इतनी शानदार हवेली नौकरी के लिए अच्छी नहीं, हम तो इसका मालिक होना चाहते हैं। चुनने में सपना? अरे तुमको तो जिला स्तर का नेता होना चाहिए था। फिलहाल कोई छोटी नौकरी करोगे? छोटा काम हम करूंगा तो वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा साहब जी। अरे शाबाश, क्या बढ़िया आदमी है। सुनो, अगले चुनाव में हम पार्टी को उम्मीदवार हूँ तो तुमसे थोड़ी सहायता की उम्मीद रखूं? अगर आप रूलिंग पार्टी के हैं तो आपके स्वागत है, लेकिन अगर आप विरोधी दल के हैं तो दिल से हम आपका साथ हूं। हाँ, क्या उत्तम फिलॉसफी है। जी चाहता तेरा चेहरा चूम लूं। एक मिनट, ये चेहरे पर घाव काहे का लगा? हाँ वो क्या हुआ, कल सुबह मिलावटी राम अपने कुत्ते को बिस्किट का पाकिट बांट रहा था तो हमने एक उठा लिया। साला कुत्ते को बुरा लग गया, गुर्रा कर हम पर लपक पड़ा। फिर का कुत्ता और कुत्ते की जाति, वो सेठ का कुत्ता है तो हम भी अमावस हूं। साले ने हमको काटा जरूर, लेकिन हमने बेचा को घोप दिया, घापा खलास कर दिया साले। क्या हुआ? वो बिस्कुट के लिए मटर। हम अपने फायदे का खातिर किसी का कुछ भी कर सकता हूँ। अरे तुमको तो स्टेट लेवल का नेता होना चाहिए था। सुनो, हमरे साथ काम करोगे? जब काम दे ही रहे हैं तो कुछ धन की भी बात करो, ताकि हम आपकी पोजीशन का कुछ डिरेस बना लूं। कितना? 500। 500? आपकी इज्जत का खातिर। उधार मांगने का ये विशेष गुण एक दिन तुमको बहुत महान बना देगा बेटुआ। लो पूरा 500 रुपया, नहीं कम है। बस जरा आपकी दया चाहिए। जा। चला। जीता रहो। इतने पैसे दे दिए?
ये फटीचर बहुत दूर का घोड़ा है। आज हम इस पर 500 का जुआ खेला है, कल बहुत लाएगा। चले चल। और एक दिन हमारे घर के खिलते चांद को एक अमावस ने देख लिया। पता है अमावस, मेरी सहेलियां मेरी हंसी उड़ाती हैं कि तूने प्यार किया तो भी किससे? एक माइक फिट करने वाले से? दुनिया में क्या तुझे कोई और नहीं मिला? अरे तोरी सहेलियां तोरे नसीब से जलती हैं। ये माइक फिट करे का काम कोनो मामूली बात है, इसके लिए बहुत बड़का नसीब चाहिए। तुझे मालूम है माइक चीज का है? प्रजातंत्र की जबान है जबान। आज मीटिंग में आना, आके खुद दीदार कर ले, ये माइक फिट करने वाला का कमाल करता है। मेरी सहेलियां कहती हैं कि तुम मीटिंग में नेताओं को सोडा पिलाने का काम करते हो और उनकी झूठी बोतलें उठाते हो। कैसी बात करती है? मेहमानों की खातिरदारी करना कोनो खराब बात है? एक काम कर, आज अपनी सहेलियों को भी ले आना, उन्हें भी बोतल दे दूंगा। आएगी ना मीटिंग में? ना बाबा ना, मीटिंग में रात हो जाती है। अरे तब तो और अच्छी बात है, दिन को मिलती हो कभी रात को मिलकर देखो, क्या मजा आता है। क्या मजा आता है? अरे रात को तारे निकलते हैं, तारे। हम तुमको तारे दिखाऊंगा। ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। अरे जरूर आना, हम इंतजार करूंगा। हाँ? ना 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 ना। एकदम ठंडी बैटरी है रे, गरम करे को टाइम लगेगा। गुरु, लड़की अच्छी है, इसे शादी बना लो गुरु। कैसी बात करता है, है? अभी जाकर इसके माँ बाप से कहे कि तोहरी बेटी के साथ हमारी शादी रचा दे, तो हमको सुना दिया रे के जा जा, कहाँ हमारी इज्जत और कहाँ माइक फिटर। अब साला ये माइक फिटर ऐसा मामला फिट करी कि उसके माँ बाप हमरे कदमों पे गिर कर कहे कि बेटा हमारी इज्जत की खातिर हमारी बेटी से शादी कर ले, मजा आ जाएगा ना। अरे ओ गायत्री। अरे मैं गायत्री नहीं हूँ, गायत्री तो पीछे आ रही है। अरे गांव में जब तुम जैसी सुंदर लड़की है तो कौन फिकर करता है गायत्री कहाँ से आ रही है। ओ तो तुमरे खातिर हम गायत्री से थोड़ा हेल मेल किया था, वैसे असली चीज तो तुम हो। अरे बहन तुम फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा, जाओ जाओ। क्या कर रहे थे उसके साथ? कमाल करती हो, तोहरे पता ठिकाना तोहरी सहेली से ना पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। गायत्री चलो। तुम लोग चलो, मैं बाद में आऊंगी। तुम्हारी माँ पूछेगी साथ में गई थी, साथ में क्यों नहीं आई। अरे तो? कमाल है, 10 ग्राम झूठ अपने दोस्त के लिए नहीं बोल सकती। अरे गीले कपड़े थे, सुखा कर आएगी, बस जल 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 जल। चलो चलो। ये देखा तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे खाक सुंदर है, सुंदर तो तब होगा जब तुम पहन लोगे। मैं घर जाकर पहन लूंगी। अरे घर में पहन कर किसको दिखाओगी, कुत्ते बिल्लियों को? अरे यहाँ पहन लो, हम भी देख ले। अरे बेशक पहन कर उतार देना, हम सीने से लगा कर सो जाऊंगा, पहन लो। अच्छा लगती हूँ। हाँ बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन बिना कपड़ों के विशेष सुंदर लगती हो। बिना कपड़ों के? हाँ हमने सब देख लिया। चल झूठा कहीं का। अरे झूठ नहीं, सबूत ले ले, तोरे बदन पर कामदेव ने 5-5 जगह दस्तखत किए हैं। कामदेव ने 5-5 तिल है। मेरे बाबा,
पाँच नहीं छः। छः? अरे मिस्टेक हो गया, कहाँ है छठा पता ना? इसको तो हलवा खिलाना ही पड़ेगा। अरे गुरु, अरे काहे चिल्ला रहा है बुरबाक की तरह है? इस काम में देरी बर्दाश्त नहीं होती गुरु। किस काम में बे? इसको हलवे में डाल के खिलाओगे ना किसी लड़की को? खबरदार जो अपनी जबान खोली। बेवड़े की जबान आखिर बेवड़े की भी नहीं होती गुरु। ऐसा जब मैं बेवड़ा होता हूँ तो मेरा चाकू भी मेरा नहीं होता, ये खचा खच खचा खच। गुरु समझ गया ना? अरे यहाँ क्यों लाए? अजय हमारा जन्म हुआ था। अभी तो पिछले महीने कहा था कि आज मेरा जन्मदिन है। अरे वो अंग्रेजी महीने से था, आज हिंदी महीने से। तो हड़बड़ी क्या थी, सुबह होने देते। जन्म रात को हुआ था तो जन्मदिन दिन में कैसे मनाई लेते? तो रात के अंधेरे में जन्मदिन कैसे मनाओगे? तुम आ गई हो, अंधेरा कहाँ है? इलो हलवा। हलवा? हाँ, जन्मदिन के हमार केक, प्रेम देवता का प्रसाद खाई ले हमार हाथ से, ले। हलवा रानी, मुझे कुछ हो रहा है। हलवा रानी, गुदगुदी होती है। दूर ना जा दिल में हो रही है प्यार की गुदगुदी, पास मेरे आ जा जाने जाना, दूर ना जा दिल में हो रही है प्यार की गुदगुदी, जादुई जवानी गुदगुदी, मौज की रवानी गुदगुदी, बेखुदी की प्याली गुदगुदी, है बड़ी निराली गुदगुदी। हाथ ना लगा मेरे आजा जाने जाना, दूर ना जा दिल में हो रही है प्यार की गुदगुदी। मत भरा झूने पे सरा कह रहा जिया, बस जो तेरे में आई आ गया मजा, गल्प मैंने जो बिखराई छा गया नशा, छूने से कलमल में होती है
पास मेरे आजा जाने जाना दूर ना जा दिल में हो रही है प्यार की खुद को ही हाथ ना लगाना मेरे पास भी ना दिल में हो रही है प्यार की खुद को ही सज्जनियों, जवान जैसे बूढ़े और बूढ़े जैसे जवानों, और हमारी मीटिंग में डिस्टर्ब करने के ख्याल से आए हुए मेरे विरोधियों, अपनी पार्टी के लिए आज तक हम जो कुर्बानियां दिया है उन कुर्बानियों की अगर हम फाइल बनाकर हम फाइल के ऊपर खड़े हो जाएं, तो पार्टी की सबसे ऊंची कुर्सी हमारे सामने छोटी सी नजर आएगी। पार्टी का 15 वर्ष का इतिहास असल में केके की कुर्बानी और त्याग का इतिहास है। ए श्रीमान जी, हमारी कुर्बानी और त्याग का भी ख्याल कीजिए कि हम कब से आपका भाषण सुन रहे हैं। हमारे धीरज की इंतहा है, अब बस कीजिए। इस माइक को खा जाएंगे क्या आप? ये धमा चौकड़ी नहीं चलेगी, फौरन एक्शन लेना पड़ेगा। अरे बहुत हो गया, जाकर अपनी जगह पर बैठो, बहुत बकवास सुन लिया। ऐसा? हाँ। तो जरा ये माइक पकड़ना भाई। हाँ। अरे 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 भीख मंगा हमसे मांग मांग के खाने वाला हमसे टक्कर ले रहा है। अरे हम तोरा मुंह तोड़ के सुझाई जाएंगे। अरे हम कौन? बदतमीजी करता है, चप्पल से मारता है, शर्म नहीं आती तेरे को? अरे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। शांति शांति, आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। पहले इसको पार्टी से बाहर निकालो। अरे मुझे नहीं, तुमको सबसे पहले पार्टी से निकाला जाएगा। शांति शांति, देखिए मिस्टर केके, इस बार भी पार्टी का टिकट आपको नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि जनता में आपका रेपुटेशन बहुत खराब है। आप पूछ लीजिए, क्या कोई भी पार्टी वर्कर चाहता है कि आपको टिकट मिले? क्यों भाइयों, बोलिए। सुना आपने, कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता कि आपको टिकट मिले। कार्यकर्ता? ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये कचहरी के झूठे गवाह हैं, बेईमानों के जमानतदार हैं, पैसा लेके दल बदलने वाले हैं, जनता का चंदा खाकर अपना पेट भरने वाले। ये साले हमरे तकदीर का फैसला करेंगे? फैसला तो हो चुका है। अरे तोरा फैसला हम करेंगे। देखो साहब, से ज्यादा बोल रहे हैं। अरे तुम बोल रहा है? अरे दो पैसे का पलवाड़ी सारा दुकान में बैठ के पान बेचता था, आज हमरा फैसला करेगा? अरे आप इतने बड़े आदमी है, काहे छोटे आदमी के मुंह लगत है? अरे वो साला हमको बोलता हमको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। तो ना मिले, अपनी पार्टी खड़ी कर दो। अरे आप चाहे तो आपकी जूती भी चुनाव जीत सकती है। अरे अब
आजकल के जमाने में भरोसे की जूती मिलती कहाँ है, जूती को भी मौका मिले तो टोपी बन के सर पर चढ़ जाती है। आप जरा आंखें उठाकर देखो तो सही, आपको जरूर भरोसे का आदमी मिल जाएगा। कहां से मिलेगा भरोसे का आदमी, एक रामदास था भरोसे का, साला उसको भी हम मार के भगा दिया। जरा गौर से देखो, आपको वफादार आदमी जरूर मिल जाएगा जो आपके सामने हर वक्त हाथ बांधे खड़ा रहेगा। हम सोचता हूँ कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करता हूँ, अपना जमीन जायदाद सब बेच के दांव पे लगा दूंगा, बस कोई भरोसे का आदमी मिलना चाहिए। साहब जी बस जरा आंखें उठाकर गौर से देखो, आपको जरूर मिल जाएगा। कहाँ ढूंढे इतनी बड़ी दुनिया में किस पे। तू चुनाव लड़ेगा? हम साहब? हाँ तू चुनाव लड़ेगा। अगर आप कहते हो तो ठीक है, लड़ जाता हूँ, लेकिन एक बात है, अगर हम जीते तो जीत आपकी और हारे तो हार हमारी है। नहीं अमावस, तू हारेगा नहीं, मैं सब कुछ दांव पे लगा के तुझको जिताऊंगा। कल तेरा वो मैं पत्र दाखिल करूंगा, तो एक काम कर, पहले अपना हुलिया बदल, ये बाल ठीक कर और बिल्कुल हमरे जैसा बन जा बस। इसका नाम अमावस है। पुकार का नाम है हाकिम। हमारा जन्म अमावस की रात को हुआ था, इसलिए असल में हमारा नाम विजय बहादुर कुंवर है। हम सूर्य वंश के राज घराने से ताल्लुक रखते हैं। सूर्य वंश रामनगर जी। हमारा राज चला गया इसलिए हम ऐसी हालत में रहते हैं, वरना हमारी रिश्तेदारी बड़े बड़े राज घरानों में है। एक जमाना था साहब, एक जमाना था जब बड़े बड़े मंत्रियों की भीड़ हमारे द्वारे पर लगी रहती, और आज हम मंत्री बनने यहाँ आए हैं। हमको देख के हाथ हिला रहे, तू ऐसा क्या कर रहा है, हाथ बांध के खड़ा, साला कोई देखेगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। अरे जो लोग दिन में खाली हाथ वोट मांगते हैं वो यहाँ किस लिए आए हैं, उनका जीतने का कोई चांस नहीं है। अरे वोट तो रात को मिलते हैं, हाँ लेन देन के साथ, जो हमारी तरह मांगते हैं। अमावस कहिए। एक बार एक ग्राहक ने एक नाई से पूछा कि जरा गिनना तो हमारे सर में कितने बाल हैं। उसने कहा साहब गिनने की क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर में कट के सारे बाल सामने गिरने वाले हैं। तो वोटों की गिनती तो शुरू हो ही गई है जी। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कितने तीर रात में इन्होंने गोबर में मारे हैं। तुम शायद यहाँ अपनी जमानत वापस लेने आए हो। अरे हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते, अगर हमार जमानत वापस हो गई तो आपको दे दूंगा, ताकि आप अपने गम भुला सके कि आपकी जमानत जब्त हो गई। अरे वाह बस, हमारे साथ रहते रहते तुझको भी बोलना आ गया। टेंशन हो ही रहा है। काहे टेंशन साहेब, हम जीते तो अच्छा है, हारे तो अच्छा है। तेरे बाप का क्या जाता है, पैसा तो हमारा लगा ना, चल जा सूट पकड़ बैठ। कैसी बात करो तो साहेब, हम आपके सामने कभी बैठ सकता हूँ? हम तो हाथ बांधे एक पांव पे आपके सामने खड़ा रहूंगा। आप कहें तो जरा बाहर हुआ हूं। हाँ जाओ जनता से मिलाओ। नर्वस हो गया है, सिगरेट का कस मारने गया है, हमारे सामने सिगरेट पीने की हिम्मत नहीं है ना। अरे भाई सिगरेट अंदर पी लेते। अरे नहीं भैया, अंदर के साहब है। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं ये कह रहा था जी कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं। पहले दौर की गिनती के बाद विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 500 वोटों से आगे है।
विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1500 वोटों से आगे है। अमावस शुरुआत तो अच्छी है, 1500 वोटों से आगे भी हो, लेकिन अभी तो हनुमानगंज का वोट बाकी है, विष्णु नगर, वसंत नगर, रामनगर का वोट बाकी है, देखें क्या होता है। विजय बहादुर कुंवर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 5000 वोटों से आगे है। 5000? 5000 वोटों से आगे? अपने ही बच्चा है ना? बैठिए ना। साहब आ जाएंगे तो? विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 10000 वोटों से आगे हैं। विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अब अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 25000 वोटों से आगे हैं। विजय बहादुर उर्फ अमावस अपने प्रतिद्वंदी से 70000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। तुमसे कह रहे हैं तुमने हम कब बुलाया कमलाकांत? कमलाकांत? अच्छा नाम है आपका। तुम होश में तो हो अमावस? अमावस नहीं, सूर्य वंश का पहला ये मेले विजय बहादुर कुंवर। पैर छू रहा है मुझे। परे हटो। हम कह रहे हैं परे हटो। बड़ी खुश लग रही है जी। कहीं घूमने चलें? कहाँ? शिमला या ऊटी? चलिए। जम गया है, हटता ही नहीं। हाथ हटा लूं? रहने दीजिए ना। कहती है रहने दीजिए। विजय बहादुर कंवर जिंदाबाद। विजय बहादुर कंवर जिंदाबाद। विजय बहादुर कंवर जिंदाबाद। विजय बहादुर कंवर जिंदाबाद। विजय बहादुर कुंवर जिंदाबाद। ये कहते हुए पीछे आ। विजय बहादुर कंवर जिंदाबाद। काम धंधा नहीं है, जब देखो आके चिपक जाते हो। चल, लगता है साले पैदा होके गोंद में गिर गए थे। आ,
केके, तोरी मुझे बिच्छू के डंक की तरह ऊपर क्यों उठी हुई है? अरे जीतने वाले की मूछ हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन चुनाव तो हम जीते हैं। अरे तोरी जीत हमारी जीत है ना? आज ये मुझे नीची कर लो, चेहरे पर अच्छी लगती है। अरे के जी का? वो राजा भी हमारी पार्टी में है। अच्छा, वो जिसकी हवेली भी तोरी नजर लगी हुई है? उसकी एक बेटी भी है ना। वो मांगलिक है। मांगलिक? ऐसी लड़कियों के सितारे अच्छे नहीं होते हैं, पति के लिए अशुभ होती हैं। अरे अशुभ को शुभ करना तो हमारा काम है, तू शादी पक्की कर। अरे उसकी उम्र ज्यादा है। अरे बीबी की उम्र से क्या लेना देना, बहुत कम सिन मिल जाएंगे। जा बात चला, इस वक्त हमारा सितारा बहुत बुलंद है। हाँ। जा। वो तो है। अमावस, गायत्री देवी का क्या होगा? तू बहुत भोला है रे, हमारी बात तोरी खोपड़ी में नहीं आएगी। जा जाके खाना खाई ले, जा। बात तो ठीक है, पर विजय बहादुर कुंवर ने हमारी बेटी तारा को देखा है? आपकी हवेली को देखा है? हवेली को मतलब घर देख लिया तो परिवार देख लिया ना। ये बात तो ठीक है। अरे राजा साहब, हम जनता के नेता हैं, जनता का दुख हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमको पता चला तो मांगलिक होने की वजह से आपकी बेटी कुंवारी है तो हम बहुत दुखी हुए। हम आपकी बेटी से शादी करेगा। अरे जन कल्याण तो हमारा धर्म है। ये आपकी बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो रिश्ता पक्का? पक्की? नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। बेटी, एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख और नहीं हो सकता कि उसकी बेटी जन्म भर बिन ब्याही रहे। ब्याह और अमावस से? असंभव। मैं जन्म भर कुंवारी रह लूंगी मगर अमावस से शादी नहीं करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हारा ये फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लो, अगर तुमने शादी ना की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं पिताजी, नहीं। पता है मैं चुनाव के दिन आपको पुकारती रही मगर आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, गाड़ी में बैठे और चले गए। और मैं खड़ी ताकती रही। का कहें, जनता जनार्दन ने हमरे गले में इतना माला डाल दिया था कि हमारी नजर ढक गई। आपने तो माला पहन ली, अब मुझे मंगलसूत्र पहना दो। काहे को जंजीर पहनना चाहती है? हमारी मोहब्बत को आजाद रहने दे। क्यों? अब कैसी आजादी, हम दोनों को बांधने वाला आ गया है। मतलब? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। बड़ा नालायक बच्चा है, बाप से पूछा ही नहीं और आ गया। ये देखो गायत्री, एक बात समझाओ, तूने प्यार किया एक माइक फिट करने वाला से, एक मजदूर से, एक एमएलए से नहीं। हम तो हर शादी दोनों बढ़िया छोटा आदमी से करा दे, कहा है कि रिश्ता हमेशा बराबरी में ही होवे को चाहिए। मुझे बराबरी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे का बाप चाहिए। अरे ये तो धोखा की बात बा, हमरा के का मालूम के तोहरा के छूते ही तेरे पेट से पापा पापा सुनाए लगी। देखा ये कोनो बैंक का खाता नहीं कि फिक्स रख लो तो फायदा हो है? देख एक काम कर, जल्दी से इसे साफ करा के पवित्र हो जाए।
औरत का मतलब है त्याग, कुर्बानी। तू देश की खातिर कुर्बानी कर। हम देश के जनगण मन अधिनायक हैं, इतिहास पुरुष हैं। हमसे यह हक छीन मत। हमरा देह से बहुत बहुत औरतन का फायदा होने दे। हैं? जा, हमको मीटिंग में जाना है ताकि हम लोगों के कुछ सेवा कर सकें। हैं? जा। अमावस ने मेरी बेटी को अपनी गंदी वासना का शिकार बनाकर उसे मां बनने पर मजबूर कर दिया। मैं अमावस के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, पर उसने मेरी एक ना सुनी और नजरें फेर कर चला गया। उसके बाद मैं बड़े लोगों के पास गया, उससे विनती की, अपनी बेटी का दुखड़ा सुनाया, लेकिन वहां से भी निकाला गया। पंचायत वालों के पास जाकर रोया, पर उन्होंने भी मुझे रुस्वा करके निकाल दिया। अपने आप को देवी मां कहलाती हो, अपनी पूजा कराती हो, वाह! क्या इंसाफ है! एक पापी भरी पंचायत में मुझे धोखा देके शान से हंसता हुआ चला गया और तू देखती रह गई। उसके इस गुनाह में तुम्हारा भी गुनाह शामिल है। उससे तो मैं बदला लूंगी, उसका ये खून मिटा दूंगी और तुमसे भी। मेरी ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है ना, हाँ? तुम्हारे ही सामने मैं तुम्हारी दी हुई जिंदगी को मिटाकर तुमसे बदला लूंगी। बहुत फल मिठाई मक्खन मेवा खाई हो ना, अब दो दो जीवन का खून पियो। मेरी ये बलि तुम्हें राक्षस बना देगी। जय माता दुर्गे माता, 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 और इस तरह तुम्हारी मां भगवान के सामने तुम्हें जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, और तुम्हारा बाप तुम्हारी मां की मैयत का मजाक उड़ाते हुए अपनी बारात देकर निकला। मैं समझ गया नाना जी, जमाने का तीर सहकर मेरी मां ने मुझे क्यों पैदा किया था। इसलिए कि जिसने उसे धोखा दिया उसका बेटा उसे सजा देगा। अब अमावस मरेगा। तुम तो अमावस को मार दोगे और कानून तुम्हें मार देगा। हिसाब बराबर हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? एक पापी के लिए तुम्हें मरना मंजूर है, लेकिन जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की उनके लिए जिंदा रहना मंजूर नहीं। ये
विजय कुंवर बहादुर, विजय कुंवर बहादुर। काहे चिल्ला रहा है? आज 15 अगस्त है ना? तो 15 अगस्त को क्या हुआ था? लोगों को आजादी मिली थी। मैंने आजादी दिलाई? हमका कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे आपने नहीं, अंग्रेजों ने आजादी दी थी जो हम लोग आज तक मलाई की तरह चाट रहे हैं। तो तू काहे चिल्ला रहा है, है? हम उस खामोश क्यों हो गया? अब भाई तो कहा चुप हो जाओ। अरे हम कुछ भी कहो तोरा काम कहा है? हम कितना भी मना करो तू जजा का करते रहा है। क्या मुसीबत है ये? विजय कुंवर बहादुर, विजय कुंवर बहादुर। शांति शांति। हमारे लिए परम हर्ष की बात तो ये है कि आज 15 अगस्त के पवित्र उत्सव पर श्रीमान एमएलए साहब यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी जिंदगी जनता की सेवा में चली गई। इनका कहना है, मरूंगा तो जनता के लिए, जीऊंगा तो जनता के लिए। आपके बगल में जो वो आपकी हिफाजत के लिए इंस्पेक्टर खड़ा है ना, ये साला बहुत अकड़ू है, अपने धंधे में बहुत टांग अड़ाता है। तो हमारा नाम लिया होता? लिया था, नाम लेने के बाद तो वो नेता लोग को इतनी बुरी बुरी गाली दिया कि बोल नहीं सकता हूँ। ची 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 ची। सब कुछ जनता को समझ। बुलाओ साले। आपको साहब बुला रहे हैं। हुजूर आपने मुझे बुलाया? हाँ। अरे काहे हमारे आदमी को तंग करते हो? वो दारू बना रहे थे। तो दारू पीना बुरी बात थोड़ी है? दारू पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन दारू बनाना बुरी बात है। अरे दारू पीना जब बुरी बात नहीं है तो दारू बनाना बुरी बात कैसे हो गई? हैं? ये देखा, चुपचाप अपना काम करो। हाँ मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ। ड्यूटी से पहले अमावस को समझो। समझता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप मेरा स्थाने से ट्रांसफर करा देंगे ना? स्थाने से नहीं मुन्ना, अगर हम नाराज हो गए तो तुमको इस दुनिया से ट्रांसफर कर। अब आप अपने कर कमलों से ध्वज लहराएं। कुंवर विजय बहादुर, कुंवर विजय बहादुर, कुंवर विजय बहादुर। प्रणाम देवता। कैसे आना हुआ? भगवान ने हमारे घर एक चिराग भेजा है, आप इसका नामकरण कर दीजिए। लड़का है या लड़की? लड़की है देवता। बढ़िया। तारा देवी। इसका नामकरण हमारी धर्म पत्नी करेगी। दो इस इलाके का हर आदमी जिसके घर में बेटी पैदा होती है, वो आपसे आशीर्वाद लेकर ये तसल्ली कर लेना चाहता है कि लड़की का कभी कुछ बुरा नहीं होगा। इसका कोई अच्छा सा नाम रखो। गायत्री। अच्छा नाम है ना? नाम सुनकर तो आपके दिल में रोशनी हो गई होगी। लीजिए इस बच्ची के कान में 3 बार गायत्री कह दीजिए। गायत्री गायत्री गायत्री। के जी, तोराए ज्योतिषी 1 घंटे से हमार भविष्य खोज रहा है। इतने टाइम में तो हम समूचे देश का भविष्य बता दे।
ये पंडित बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी है, यही बताए रहा कि तुम वो चुनाव जीतोगे और यही बताए रहा कि वो मिली जुली सरकार टूटेगी। पंडित जी तनिक जरा बहुत टाइम लगा रहे हो। तो बताओ हमरे ग्राहक का कहते हैं? अगर आप अपना भविष्य न जाने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? हमरे सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं? सच्ची बात कहने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, हिम्मत की जरूरत है सच्ची बात सुनने के लिए। बिना खौफ बोलो। आपके सारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, आपके सितारों की रोशनी खत्म हो चुकी है। इस साल 15 अगस्त को आपने जो राष्ट्रध्वज फहराया था वो आपके जीवन का आखिरी सामाजिक काम था। आपके गृह विनाश का अशुभ योग है, इसी वर्ष जीवन संगिनी का साथ छूट सकता है और इसी साल आपका भी मृत्यु योग है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली बोल रही है। दूसरे की जन्म कुंडली देखत हो, कभी अपना भी देखा है? हाँ अपना भी देखा है। का कहती है तोरी जन्म कुंडली? कब तक जिंदा रहोगे? जिवेम शरदम सतम, मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा। 100 साल? चलो पकड़ा हो। मार दिया? झूठ बोलता था सा। 100 साल जीऊंगा तो काहे मर गए हैं? ला घर में गंगा जल नाही, शराब पी ले, मरने में भी नशा आ जाए। मगर इसको मारा काहे के लिए? कोई हमसे ये कहे कि हम हार जाऊंगा, हम मिट जाऊंगा, हम तबाह हो जाऊंगा, हमू का कभी जिंदा ना छोड़े। अगर कभी हमरे मन में भी निराशा की बात आ जाए तो हम अपने आप को गोली मार दूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। अमावस कभी हारते नहीं। बहते हुए पानी में नहाने का मजा कुछ और ही है ना केके? विजय बहादुर, विजय बहादुर। अरे कहे के जिंदाबाद? बड़े नालायक लोग हैं, नए आए हैं ना, नहीं जानते कब जिंदाबाद बोलना चाहिए और कब। अरे इस वक्त तो हाँ जी बोलना चाहिए। बोल हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे कोई आकर हमारी पीठ रगड़ दो। खबरदार, खबरदार कोई आके बढ़ा दो। ये कोई मामूली पीठ नहीं है, ये बहुत महान पीठ है। अरे ये पीठ पे तो सारे देश का वजन धरा है, खबरदार कोई आगे बढ़ा दो। अरे काहे डांट दिया? एक बहुत गुर की बात बताते हैं गुरु, हर एक को अपनी पीठ नहीं दिखाना चाहिए। इनकी जिंदाबाद पे नहीं जाओ, कम जाने किसके हाथ में खंजर धरा हो और मौके के तलाश में भक दीनी से गुजर देवे। तो काहे भीड़ जमा करत? अरे भीड़ तो जमा करनी पड़ती है ना, मिड टर्म इलेक्शन जो आ रहा है। अंदर की बात है? बिल्कुल अंदर की खबर है, और साथ में ये खबर भी हम सुना है कि इस बार आपको पार्टी का टिकट नहीं मिलने वाला। अरे टिकट कैसा? अरे आप क्या कर रहे हो? टिकट कैसा नहीं मिलेगा? अरे टिकट तो टेंडर से मिलता है, पैसे दो और टिकट ले जाओ। एक मिनट, टेंडर से टिकट तो मिल जाएगा आपको, वोट कहाँ से लाओगे, वो कौन देगा? समस्या को सुलझाना होगा। नहीं सुलझेगी, आज तक तुम जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, हमेशा धींगा मस्ती। जितनी बार तुम जीते हो बोगस वोट से जीते हो, अब के बाद नहीं मिलने वाला बोगस वोट। अरे कैसे वोट नहीं देगी? है जनता वोट देगी और मेरे पैरों में गिर कर देगी। हाँ, एक बार पावर में आ जाने पर सब गुर मालूम हो जाता है, समझा? ए,
कमलदार हाथ नहीं लगाना, ये हमारी प्रॉपर्टी है, खड़े जा। अरे वाह, इसको कोई हाथ लगा सकता है? ये तो हमारी जान है, ये बहुत महान अंडरवियर है, इसमें सारे जमाने का बोझ भरा है। पीछे हटो। ओके के पीछे हटो। अरे ओके के क्षमा करना गुरु, हम ये अंडरवियर के झगड़ा में गुरु की बात है भूल गए। इस झगड़े में मतलब की बात भूल गए। भूल एक बात दिमाग में आ रही थी। का? यदि अंडरवर की लड़ाई में तुम लोग मतलब की बात भूल सकते हो का? तो काहे नहीं जनता को किसी नाजुक बात पर लड़ा दिया जाए, तो वो हमारी सारी गलतियां भूल जाएंगे और फिर से हमको वोट देकर कुर्सी पर बिठा देंगे। गुरु ये का खोपड़िया है? ये अंडरवियर की मिसाल देकर का राजनीति का सार निचोड़ा है ऐसे है? बाद में दम है कि नहीं? बहुत दम है। तो काम कर, इलेक्शन से पहले दंगा फसाद करवा दे, धर्म और जाति को आमने सामने खड़ा कर दे, और तुम लोग अपने अपने चाकू पर मजहब और जाति बिरादरी की शान चढ़ाकर उसे चमका दो, ताकि ये चाकू प्रजातंत्र की सेवा कर सके। बाकी प्लान बाद में समझाऊंगा। सरकार सरकार सरकार, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया सरकार, किसी ने मेरे बीवी और बच्ची को जान से मार दिया सरकार। चिंता नहीं करो, जनता का दुख दर्द देखने के लिए तो ही यहाँ बैठे हैं ये। सरकार मेरा मकान जल के राख हो गया, मेरे पास तो कफन के लिए पैसे भी नहीं है। कफन का जुगाड़ तो हम कर देंगे बबुआ, ले सुंदर सा कफन बनाना है, जा। चलो इस अभागे का काम तो निपट गया। इसका काम तो निपट गया, हमारा काम शुरू हो गया। हमने अभी अभी कफन बांटा और भी कफन बांटूंगा। ये सारे कफन हमारी पार्टी के झंडे बनने चाहिए, जितने झंडे उतनी ही पार्टी स्ट्रांग। नहीं ऐसा ए बोला, शमशान घाट जाने का रास्ता मंदिर से होकर जाता है, जहां बड़े लोग आज पूजा करते होते। ऐसा इंतजाम कर कि पूजा वाले कहें कि अर्थी मंदिर से होकर नहीं जाएगी, और अर्थी वाले अड़ जाएं कि अर्थी जाएगी तो मंदिर से होकर जाएगी। ये बड़े और छोटे में झगड़ा होना ही चाहिए, बस इतना ख्याल रखना कि बड़े और छोटे में समझौता होने का कोई खतरा ना होने पाए। जा। जो आज्ञा मालिक। राजनीति है राजनीति। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। आगे मत बढ़ो। कह रहो, देखो मेरी बात सुनो। हमारे घर में मौत हुई और आप बात सुना रहे हैं? मंदिर में यज्ञ चल रहा है, वहाँ से अर्थी नहीं जा सकती। देखिए, मुर्दे का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। जब हम लोग कह रहे हैं तो आप मानते क्यों नहीं हो? जब हम लोग कह रहे हैं तो आप भी क्यों नहीं मान लेते? ये जिद की बात है, हम मुर्दे को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। ये तो जिद की हद है, मुर्दा जाएगा तो यहीं से जाएगा। जरा ले जाके तो दिखाओ। अगर नहीं जाने देंगे, मुर्दा भी यहाँ पड़ा रहेगा और हम भी यहाँ बैठे रहेंगे। बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ। अगर आप लोग यहाँ पर बैठे रहे तो हम भी यहाँ पर बैठेंगे। बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ सब लोग। सब ठीक ठाक है ना? जैसा आप प्लान बनाया था बिल्कुल वैसे ही होएगा। जय हिंद जय हिंद। अरे रे 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 रे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? आप लोगों के झगड़ को देखकर मेरा दिल दुखता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इन धनी लोगों ने हमारा रास्ता रोक के रखा है, हम लोग कैसे शांत रह जाएं? ये क्या बोला रहे तुमने? अरे तुम लोग कह रहे हो।
ये तो सब जबान से लड़ रहे हैं, हाथ कोई उठाता ही नहीं। अरे मामला जरा गर्म हो जाए तो हाथ तो अपने आप ही उठ जाएंगे। अपने आदमी है कहाँ? दोनों तरफ हैं, बहुत हैं। जा जा धक्का लगा, धक्का लगा। हम का मार। अरे कहाँ? हम डंडा लेकर आए। सुन, ये फोटो खींचने वाला कहाँ है? वो हुआ दारू पी रहा है। अरे बुला ले, टाइम पर खींचना पड़ता है। डंडा ला, खुद लेकर आ। शांति। शांति। एक एक जल्दी कराओ। मार 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 मार। शांति। गुरु मिल गया। हाँ मिल गया। अरे शहर में दंगा फसाद मार काट खून खराबा में जो हमारा खूनी किरदार है उस पे पर्दा मिल गवा। ये देखो मार खाते हो तुम्हारी कितनी बड़ी हसीन फोटो छपी है और नीचे मोटे हरफों में लिखा है कि शांति का संदेश देता वो अहिंसा का दूत हिंसा का शिकार। बहुत बढ़िया, दिखाओ दिखाओ। अरे भैया ये अखबार तो बड़े काम की चीज है। ये काले को सफेद और सफेद को काला कर सकता है। एक एक हाई कमान के लोग तो ये अखबार देखे होंगे। तो अब पता चला ये अमावस चीज क्या है। अरे पार्टी की जान है जान। एक एक क्या कहता है? केसाई के पास ऐसे ऐसे सबूत मिल गए हैं कि वो साबित कर देगा कि शहर के राइट्स में हमारा सारे सबूत जिंदा है हमारे खिलाफ चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले हैं। तो ऐसा कर साले को जिंदा जला दे। डबल काम हो जाए। शहर का राइट्स हमने करवाया और राइट्स में अपने दुश्मन का सफाया भी हमने करवाया। राजनीति है रे राजनीति। इंस्पेक्टर साहब जाइए, आप जनता को समझाइए। जाइए। भाइयों शांत हो जाइए। ये क्या बोल रहे हैं इनको सुनने का मौका तो दीजिए। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए प्लीज। हमको सिर्फ झंडा फहराते देखा, किसी को जिंदा जलाते नहीं देखा।
जहर जलता है तो जलने दो, ये आग हमने ही लगाई है। लोग मरते हैं तो मरने दो, ये अपनी खुदाई है। मेरा जाम रहे, मेरी साम रहे, मेरे पहलू में मेरी जान रहे। अब डूब जाने का तुझको मैं जोड़े
वक्त में आशिक फंसा है। दीदी वो देखिए, नमस्ते जी। आप सब लोग अपना गांव और घर छोड़कर हमारे गांव को बचाने आए हैं, इसलिए मैं आप सब की सुरक्षा के लिए भगवान की पूजा करके आई हूँ। मैं ये प्रसाद सब में बांट सकती हूँ? शाबाश अफसर। अरे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो हमको बचाने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओ। दादा ठीक है, बाप का नाम पूछ ले। दूसरों का मंगलसूत्र कस के पकड़ लेने से इसे तुम ज्यादा दिन तक अपने गले में नहीं रख पाओगी। तिलक क्यों मिटा दिया? तुम्हारे हाथ से लगा तिलक से शमशान की खाक बेहतर है। उसे क्यों मानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो सुनो, इस गांव की जनता के बीच जो आग लगी है उसका कारण अमावस है। ऐसे आदमी को कौन जिंदा छोड़ता? मैं जानता हूं, अमावस को मानने का पवित्र गुस्सा हर घर में मौजूद है,
और वो एक दिन मारा जाएगा। जिसकी आगाज आग से होती है उसकी इंतिहा खाक से होती है। तुम बहुत जल्द छोड़ दिए जाओगे। कौन? अरे बोलता का है नहीं हरामी। एक हरामी। हेलो जूनियर, अगर पैदा ही होना था तो अपनी महतारी का चेहरा लेकर पैदा होते। हमार चेहरा लेकर काहे पैदा हो गए? अच्छा हुआ मेरा चेहरा मेरी माँ की तरह नहीं है। मुझे देखकर किसी को मेरी माँ की याद नहीं आएगी। तुम याद आओगे, तुम्हारा पाप याद आएगा। मैं तुम्हारे पाप का सांस लेता सबूत हूं। चेहरा तो हमार है लेकिन जवान अपनी महातरी की पाए हो। खैर कोई बात नहीं, तुमने हमारी जान बचाई है, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया अदा करने में इतनी जल्दी मत करो। हो सकता है कल तुम्हें पछताना पड़े कि तुमने गलत आदमी को शुक्रिया कह दिया। कैसन बात करते हो? आज अगर तुम ना होते तो हम अब तक स्वर्गवासी हो गए होते। हमारी फोटो माला पहनकर दीवार से लग गई होती। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया, इसलिए बचाया कि जो मेरा शिकार है उसे दूसरा कैसे मार सकता है। सिर्फ कहते हो, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो अपने बाप को मार सकत हो? जो अपनी मां को मारकर तब जन्म लिया हो उसे उस आदमी को मारने में क्या तकलीफ होगी जिसे वो अपना बाप कह भी नहीं सकता। जरा हाथ लगाना। आज नहीं, उस दिन लगाऊंगा जिस दिन इस गंदगी को उठाकर शमशान तक ले जाने के लिए चार कंधों की जरूरत पड़ेगी। क्यों साहब, क्या ढूंढ रहे हैं आप? जी आप गायत्री देवी की समाधि कहाँ है? उनसे आपका क्या संबंध है? जी मैं उनका बेटा हूँ। आप गायत्री देवी के बेटे हैं? जी। वो जो सबसे बड़ी समाधि देख रहे हैं ना आप, वो उन्हीं की है। आप मेरी माँ की समाधि पर? समाधि ना तुम्हारी होती है ना हमारी होती है, समाधि सबकी होती है। मेरी माँ का मंगलसूत्र छीनकर अब उनकी समाधि पर फूल माला चढ़ाने आई है? ये मंगलसूत्र नहीं है, ये तो जंजीर है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जिससे तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। गायत्री गायत्री गायत्री, अरे इस गायत्री ने तो हमने स्वागत का एक घंटा बर्बाद कर दिया। आपका तो सिर्फ एक घंटा बर्बाद हुआ मगर गायत्री का तो सारा जीवन ही बर्बाद हो गया। इधर देखो, तोरे पिताजी की जमींदारी तो चली गई फिर भी कितना खर्च करके ये फूल मंगवाया, ये सेज सजाया। तुम बेकार की बातों में इन फूलों की खुशबू को वेस्ट मत होने दो। आपकी तमन्ना थी मेरी हवेली और वो आपने मुझसे शादी करके पाली। जमीन जायदाद भी आपके नाम हो गई है। अब आप अपनी गलती का प्रायश्चित कीजिए, गायत्री के बेटे को अपना लीजिए, वो
वो बिन माँ का हो गया है। ठहरो ठहरो, गांव का पंचायत ने अभी तक ये साबित ना कर सका कि गायत्री के बच्चे का बाप कौन है, मगर ऐसा लगता है कि तू सारे गांव में घूम घूम कर बता देगी कि गायत्री के बच्चे का बाप हम हैं। अब एक बात तू कान खुलकर सुन ले, हमारी एक पब्लिक इमेज है, अगर उस इमेज को तू कालिक लगाने की कोशिश करेगी ना, हम ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? ठीक है, कल सुबह मैं खुद जाकर गायत्री के बेटे को गोद ले लूंगी। ऐसा बात सोचना भी नहीं, मेरी इजाजत के बगैर अगर हवेली के बाहर पांव रखा तो तेरा पैर काट दूंगा। अरे हस्ती काये है हा? एक जमाना था जब हमारा दरवान आपसे ये कहता होगा कि अगर तूने इस हवेली में कभी पैर रखा तो तेरा पैर काट दूंगा, और आज आप मुझे ऐसी धमकी दे रहे हैं। टाइम टाइम माय डार्लिंग टाइम, ये सब टाइम का खेल है, और आज का टाइम ये कहता है कि मोहब्बत करो, बहस ना करो, कमांड डार्लिंग। पहले आपके गोद में गायत्री का बच्चा होगा, फिर मैं। अरे तू काहे दूसरे का बच्चा खोज रही है? हाँ, अरे 9 महीने के बाद तो अरे इस पेट में इस शेर का बच्चा होगा, इस बात की गारंटी है। कभी नहीं होगा। अरे होगा, जरूर होगा, मेरे पास तो आ। अरे मेरे पास तो आ। मुझे छूना नहीं। अरे ये बुर्बा कौरत पागल हो गई का? अरे पलक झपकते ही तोरे हाथ से चाकू छीन सकता हूँ, और उसके बाद जो चाहूँ कर सकता हूँ। कर तो सकते हैं, मगर कल सुबह जब मैं आपकी चाय में जहर मिला दूंगी तो ले ओ, का जमाना आएगा। पति से ऐसा बात कर रही हो, फिर शादी क्यों की? अपने पिताजी की जान बचाने के लिए। अब देखो जो हो गया सो हो गया, अब अगर इस तरह वॉकआउट करोगी तो जिंदगी भर बाज रह जाओगी। हाँ, मैं कई जन्मों तक बाज रहने को तैयार हूँ, मगर मेरे पेट में आपका बच्चा नहीं पलेगा। इतनी बात बोल दिया तो हकीकत भी जान लो मेम साहब, जिस तरह साग सब्जी खरीदने पर मिर्च मसाला फुकट में मिल जाता है ना, उसी तरह ये हवेली जमीन जायदाद तोहरे बाप से हथियानी थी, हथियाली, और इस पपाटी के साथ साथ तू मुझे फुकट में मिल गई। प्रॉपर्टी तो हथियाली, मगर उसे भोगेगा कौन? तुम तो बेऔलाद मरोगे लवारिस। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी बातों से आपको बहुत दुख पहुंचाया है। अरे ये क्या कर रहा है? मैं तो अपनी माँ की समाधि खोजने आया था, मुझे क्या मालूम था इस शमशान में मुझे एक माँ मिल जाएगी। तुमने मुझे माँ कहा? हाँ माँ, देवी माँ। जबान से काम लीजिए, हाथ से नहीं। अरे तुम काहे को हमको बर्बाद करने पर लगी हो? काश आपको बर्बाद कर देने की शक्ति मेरे पास होती, फिर तो बहुत से निर्दोष लोग बर्बाद होने से बच जाते। वही शक्ति तो तुम जमा कर रही हो, पहले गायत्री का समाधि बनाया बनाया, फिर माँ धूप दीप जलाकर पूजा शुरू कर दी कि अरे जो गायत्री हमारी जिंदगी की गाली है, उसी गायत्री को लोगन की नजर में श्लोक बना दिया है, और अब साला उस हरामी पर अपनी ममता बरसाकर हमारे खिलाफ उसका रही हो। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जो माँ की ममता से दहशत खा गई। माँ की ममता, अरे जो अग्नि के साथ फेरे के बाद भी किसी की जनाना ना बन सकी, वो किसी की माँ का बनेगी।
तुम तो गड़ा मुर्दा उखाड़कर हमको डराना चाहती हो। डर गए? अगर डर गए हैं तो मेरा काम हो गया है। बहुत बार तबीयत हुई कितना मगर कोनो ना कोनो सेंटिमेंट है जो तुका बचा जाती है। अच्छा, आपके पास सेंटिमेंट भी है? वही तो समझ में नहीं आता। हमने बहुतों को बीवी बनाया लेकिन किसी को मंगलसूत्र नहीं पहनाया। तुमको मंगलसूत्र पहनाया लेकिन तुम हमारी बीवी नहीं बनी। तो अब समझा ये बात है। तोरा ये मंगलसूत्र तो का बचा लेता है। चाहो तो इसे ले लो। ले लूंगा, जरूरत पड़ने पर फौरन ले लूंगा। तब तक गले में बांधे रखो। अरे ओ सांबा, वो क्या डायलॉग मारा? कितने आदमी थे? आगे बोल, आगे बोल। आगे वो फर्स्ट शॉट में ऐसा डायलॉग बोला, बहुत फर्स्ट क्लास डायलॉग बोला। अच्छा? वो क्या शॉट में आता है? हाँ? वो उसमें क्या आ गया? हो गया गब्बर सिंह आ गया। अरे ओ सांबा, बहुत दिन हो गया आप पर नचवा ना ही देखा रे। अरे जरा बठंडी से कहो हमका नचवा दिखाए। गब्बर को पकड़ने स्कूटर पे आया है, धिक्कार है हाथू। यहाँ से 50-50 कोस दूर तक जब बच्चा नहीं सोता तो उसकी माँ कहती है कि सो जा सो जा सो जा, नहीं तो रबर आ जाएगा। ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, रबर हो चुका है। हाथ क्यों छुपा रहा है तू अपने अपने? ये हाथ मुझे दे दे रबर। ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। ये हाथ मुझे दे दे। ठीक है तो यार पैर दे दे। शर्म आनी चाहिए। शर्म? शर्म आनी चाहिए। क्यों? गब्बर सिंह को पकड़ने तो फीते वाला कांस्टेबल आया है। अरे गब्बर सिंह को पकड़ना है तो एयरफोर्स लाओ, नेवी लाओ, मिलिट्री लाओ, तो फीते वाला धिक्कार है। आ, तू। छी छी यार कितनी बार थूकेगा? अब मैं भाग रहा हूँ। भाग गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गब्बर। तुम्हें क्या हो गया? क्या क्या करे? बच के नहीं जाएगा तू। तुम क्या बोल रहा? अरे क्या हुआ रे? मैं कहाँ हूँ? मैं पुलिस स्टेशन। हाँ, पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन में मैंने गोलियां चलाई। शक्ति कहाँ है? शक्ति कहाँ है? शक्ति शक्ति अरे शक्ति कौन शक्ति? क्यों रोका? मुझे बतला कर आगे बढ़ना। क्यों तुमने मुझसे प्यार किया? और अगर प्यार किया था तो एक गैर आदमी की बात क्यों दिल में रखी? और जो अपने थे उनको दिल से निकाल दिया? नहीं नहीं, मैंने तुमको दिल से नहीं निकाला। अगर दिल से नहीं निकाला तो बताया क्यों नहीं? इसी चिंता में मेरी पढ़ाई चौपट हो गई। पढ़ाई चौपट हो गई? हाँ, मुझे कहा गया था नीले कपड़े पर सफेद ताजमहल बनाओ और मैंने ताजमहल की जगह तुम्हारा नाम बना दिया। अरे मेरा नाम क्यों बनाया? मैं क्या जानू, मेरे दिल से पूछो। अब मैं तुम्हारे दिल से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें जाना कहाँ है? जहाँ तुम्हारा दिल चाहे ले चलो। मैं चलता हूँ। अरे नहीं बाबा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो ना। गेट खोलो। Thank you.
तो बता के चलाना नहीं आता क्या? ये आड़े टेढ़े क्यों जा रहे हो? अरे भाई टेंशन हो रही यार। टेंशन? ये क्या है? तुम्हें बता नहीं सकता, तुम आगे आकर बैठो। अच्छा। ये क्या हो रहा है? अरे यार बहुत टेंशन हो रही है। नहीं नहीं रुको रुको स्टॉप। ये क्या है? पीछे बैठने से टेंशन, आगे बैठने से टेंशन, तो मैं कहाँ बैठूं? अरे यार, अरे तुम कब बड़ी होगी? मैं तुम्हें ऐसा बता नहीं सकता। ठीक है, मैं माँ से जाके पूछ लूँ। ओके। अरे नहीं नहीं, माँ से नहीं पूछना, मैं तुम्हें बता देता हूँ।
लड़की संभाल कर रोड क्रॉस करना सीखो। जी माफ कीजिए। अब संभाल कर घर जाओ। जी बहुत सुंदर है रे। चला। हाँ सीएम साहब, आप बुझते हैं ना, ये दंगा फसाद आपके दुश्मन ने फैलाया है, जो लान अडर को यतीम बनाकर आपको बदनाम करना चाहते हैं ताकि आपकी कुर्सी खिसक जाए। आप फिकर ना करें, हम आपके साथ में हैं। अरे नहीं नहीं, हमको कोनो मंत्री बनना चाहिए, हम तो जनता के सादा सेवक हैं। जात पात की लड़ाई में अगर हम शहीद भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपके खातिर पार्टी के खातिर हमारे जान हाजिर बा। अरे नहीं नहीं ना 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 ना, हमको कोनो पार्टी बजना चाहिए। हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे के इस सीएम की कुर्सी तो गई। बहुत अपने जाति वालन का पक्ष लेता था। सरकारी इनाम के नाम पे पूरा सरकारी खजाना खाली कर दिया उसने। के क्रांति कुमार के मारे का कोनो मुहूर्त मिला? फिर एक ऑफिसर का मरना जरूरी है का? बहुत जरूरी है, अगर वो जिंदा रहा तो हमार जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। वो अपने ऊपर के अफसर को खबरदार कर दीन कि अमावस राय बहुत बड़ी मछली है, उसको पकड़ने के लिए लोकल पुलिस के पास इतना बड़ा जाल नहीं, उसके खातिर सीबीआई का पावर चाहिए। सीबीआई हमरे लिए सीबीआई मरवा दे साले मच्छर को। चारों तरफ मारकाट मची हुई है, एक और मर्डर, गेहूं चौंकेगा भी नहीं। जा अभी तक सोई नहीं? आज के बाद मुझे जिंदगी भर नींद नहीं आएगी। काहे? मैंने एक भयंकर सपना देखा है। कौनों को बताना नहीं वरना सपना सच हो जाए। गायत्री के बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सब सुन लेहिन। देवताओं ने भी सुना होगा? कोई भी सुने लेकिन वो मरेगा। क्यों क्यों मरेगा? इसलिए मरेगा क्योंकि हमका जिंदा रहना है। मैं उसका खून नहीं होने दूंगी। का करोगी तुम? हमरे चाकू तुम्हारे हुकुम में नहीं है। मैं पुलिस को खबर करूंगी। कोनो फायदा ना हुई, खून से पहले पुलिस को खबर करोगी तो पुलिस कुछ सुनी ना, खून के बात करोगी तब तक हमार काम हो जाए। हाँ चाहो तो उसका अंतिम संस्कार करे के वास्ते उसकी लाश ले लो। तुम एकदम शैतान बन चुके हो। ठीक है पहचाना,
शैतान से डर में ही समझदारी होगी। मुझे मालूम है अब क्या करने में समझदारी होगी। तुम्हारा जीवन चरित्र सीबीआई तलाश कर रही है। अगर तुमने गायत्री के बेटे की तरफ नजर भी उठाई तो मैं सीबीआई का अप्रूवर बन जाऊंगी। बोला आपने मुझे याद किया। आज किसकी उम्र खत्म हो गई है मालिक। तारा देवी की। क्या तारा मां की, आपकी धर्म पत्नी की? हाँ हाँ, हमारी धर्म पत्नी तोहरी नाही। कल सुबह हम कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं। वापस आने से पहले काम हो जाना चाहिए। परंतु दादा, हमका अमावस कहा? अमावस, जब तुमको इस नाम से पुकारा जाए तभी तुमको तुम्हारे दोनों काम से सुनाई देता है। आज तुम उस देवी को मारने का हुक्म दिया जो 25 वर्ष से एक एक साथ तुम्हारे साथ मर रही है। अरे तुम अपने आप को समझते कहो, कोई सारे संसार की जिंदगी तुम्हारी मर्जी पर अटकी हुई है? अरे तुमसे भी बड़े बड़े भयंकर पापी संसार में पैदा हुए, मगर उन सब पापियों को उनका पाप भयंकर सांप की तरह निकल गया। सारा तुम का चीज है रे। यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि जुगे जुगे। इस गीता वचन का मतलब भी समझता है? अरे जो गीता समझा उसने का किया, महाभारत करा दिया। अच्छी बात है बेटा, अब तोरी जिंदगी में महाभारत हम रचाऊंगा। हम रचाऊंगा बेटा। तुम बहुत खूबसूरत औरत थी। अगर तुम्हारा प्यार हमको मिल गया होता तो हम अच्छा इंसान बन गया होता। अगर तुम अच्छा इंसान बन गए होते, मेरा प्यार तुम्हें मिल गया होता। बहुत बार चाहा कि अच्छा इंसान बन जाऊं, मगर नहीं बना, क्योंकि आज के जमाने में अच्छा इंसान बन जाना बड़ा रिस्क है। ऐसा लगता है तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। हो सकता है ये आखिरी बार हो। आखिरी बार? आज हर तरफ आग की गंध फैली हुई है। किसी का कभी भी कुछ भी हो सकता है। मगर इस शहर में फैली हुई आग तो आप ही की लगाई हुई है। आग तो हमारी है, लेकिन हमारे साथ मुश्किल बात ये है कि हमारी कोई भी चीज हमारी नहीं होती, हमारे खिलाफ हो जाती है। अच्छा, फिलहाल अलविदा। Thank you.
मैं सोचता हूं आपने तारा मां की हत्या करने का इरादा बदल दिया होगा। इरादा बदले के कौनो वजह? दाता, मैं इंसानों का खून कर सकता हूं, फरिश्तों का नहीं। बोला, खून करना तोहरे लिए क्राइम नहीं, कला है। चाकू तोरे हाथ में हथियार नहीं, एक साज है जिससे मौत की रागिनी निकले। बस इतना देखना के तारा को मरते वक्त तकलीफ ना होवे के चाहिए। ऐसे मानना कि उसकी जिंदगी को पता ही ना चले कि मौत से मुलाकात कब हुई। आपकी आंखों में आंसू। काम होवे के चाहिए। भोला, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ माँ, आज मैं एक जल्लाद के आदेश का पालन करने आया हूँ। वो तो तू जन्म से ही कर रहा है। जन्म भर के पापों का दंड आज मुझे मिल गया माँ। बरसों से आपने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, माँ का स्नेह दिया मुझे, और आज मुझे भागे को अपनी ही माँ की हत्या करने का आदेश मिला है। मुझे इंस्पेक्टर क्रांति, तारा मां की जान खतरे में है, उसे बचा लो। कहां? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मंगलसूत्र पहनाया, तेरी माँ की सौतन बनाया। तू तो माँ से भी बड़ी है रे, तू सौतन नहीं थी, तू उसकी चिता की आग थी जिसने हमेशा अमावस के घर को सुलगाए रखा था। कितना अभागा है अमावस जो रोशनी के साथ रहकर भी अपनी अमावस दूर नहीं कर पाया। मां, मैंने एक ही जन्म में दोनों माओं की मौत देख ली।
तारा 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 जाने दो, बेचारा जज्बात में आ गया है। हमारी पत्नी को माँ कहता था और ये भी इसको बेटे की तरह मानती थी। अब देखो ना, पत्नी के मरने के बाद हमारा ये हाल है। बेचारी की तो माँ मरी है, तारा थी ही ऐसी। पिस्तौल की गोली मेरे जीवन रेखा को नहीं काट सकी थी। जब वक्त साथ छोड़ देता है तो कोई साथ नहीं देता। मैं उस दिन तुम्हारा भविष्य बताने आया था, आज वर्तमान बता रहा हूं कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर तुम्हारा सर्वनाश खड़ा है और तुम कुछ नहीं कर सकते। आओ अमावस, हमारे यहाँ आने में बहुत देर कर दी। रोज रोज हमारी शक्ति छीन होती जा रही है, उसके लिए कुछ करो। योग माया की माया, भूत प्रेत मरी मलेच, हाकिम डाकिम चंड चुड़ैल, तुम्हारे ऊपर तो मृत्यु की छाया है। जहां जिंदगी है वहां मौत की छाया तो होगी ही महाराज, इसमें नई बात कहां है। तुम कई अकाल मृत्यु के जन्मदाता हो, इसलिए भटकती हुई रूहों के जुलूस ने तुम्हें घेर लिया है। इसी खातिर तो हम तुम्हारे पास आया हूं। कोई जुगाड़ करो महाराज, हमको हमारा खोया हुआ पावर चाहिए। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तुम किसी कचनार कन्याकुमारी से विवाह कर लो,
तो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्रताप वापस मिल जाएगा। तुम्हारी नई पत्नी तुम्हारे लिए नई किस्मत लेकर आएगी। जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे लिए महाकाली के सामने विनाश निवारण का महाजाप करता रहूंगा। जय काली, जय जय महाकाली। हट जाओ कमलकांत, मैं वचनबद्ध हूं। मैं कहता हूं रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। अरे कब तक शैतान को हुक्म मानते रहोगे, कब तक? जाओ बोला, जाओ भगवान के लिए। बचने के लिए सही जगह आई हो, हमारी बाह में तुमको किसी का कोनो खतरा नहीं। जल्दी से जल्दी दुल्हन बनकर तैयार हो जाओ, अभी का अभी शॉर्ट कट में हमारी शादी हो जाएगी। तू मुझसे शादी करेगा? बदमाश कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? छोड़ दो। दीदी मुझे बचाओ। मुझे डर लग रहा है। नहीं, वाह, का सेंटीमेंटल ब्रेक मारा है। अरे ऐसा ब्रेक तो हवाई जहाज का भी नहीं लगता। ए छोटी, अच्छे बच्चे जीत नहीं करते। जा नहा धोकर तैयार हो जा। और ये दो चोटी खोलकर नागिन की तरह एक चोटी बना लो, है? शाबाश। ए जा, जा। नहीं, बहन को कुछ मत करो। दाता, इसे बांधू का जरूरत है? इसकी छुटकी बहन तो हमरे पास है, उका छोड़कर ये कहां जाएगी? हैं? जा ले जा, जा। मेरी बहन को कुछ मत करो। Yeah!
सही वक्त पर आए हो। ये तो री नहीं माँ है, बस फेरों की बाकी है। हाँ नहीं 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 बेटा, हम तेरा बापू, तू हत्यारा है, अपने हाथों अपना खून बहाएगा। तुम्हारा गंदा खून दुनिया में बहुत गंदगी फैला चुका है, हमको माफ कर दे बेटा। अरे अरे, तुझे माफ करने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, तो भगवान को अपना इंसाफ करने दे, क्यों अपना हाथ गंदा करता है। अगर भगवान है तो पापी को जरूर सजा देगा। भगवान को अपना ड्यूटी करने दे। मेरी ये बलि तुम्हें राक्षस बना देगी।
माँ। अमावस को मारने के बाद क्रांति ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया और 3 साल की कड़ी सजा काटने के बाद जेल से छूट कर आया। क्या कहती है दिल की धड़कन, क्या कहती है दिल की धड़कन, दिल भर मेरे सुन। चिनाई चुन चुन, चिनाई चुन चुन, चिनाई चुन चुन, चिनाई चुन चुन।